देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका, भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड है? ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। तो भगवत गीता में कितने अध्याय होते हैं? 18 अध्याय। तो किसके साथ चलेंगे अपन? डी के साथ चलेंगे, और डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो भगवत गीता में कितने अध्याय? ठीक। दूसरा क्वेश्चन एक चुटुर के लिए, 25 पैसा वाला, देखते हैं कौन जीतता है। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? एक चुटुर का सवाल है, जल्दी से कमेंट भेजो। और सबके सब राजस्थान के साथ जाएंगे क्या? ए बी सी बी सी बी सी बी डी भी आ गया भाई, सही आंसर होगा आपका बी। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर आपका राजस्थान में स्थित है। कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने की इकाई क्या है? देखो, मानव का शरीर होता है और हमारे अंदर ऊर्जा भी होता है, तो उस ऊर्जा को आप किससे मापते हैं? वो यूनिट क्या है? जूल है, अर्ग है, किलोवाट है या फिर कैलोरी है? देख लो भाई, किलोवाट तो नहीं है। किसके साथ जाएंगे? डी फॉर डॉग कि डी फॉर डोंकी? डोंकी के साथ जाएंगे। चलो, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। आप जीत चुके हैं 4 चुटुर, मुबारक हो। ठीक है, 1 रुपया का घाटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भाई संसद जानते हो ना, लोकसभा और राज्यसभा, इसका जब संयुक्त बैठक होता है उस बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश? जल्दी से बताएंगे। सी डी ए डी सी डी ए डी, क्या कर रहे हो रे? एक तो बताओ जल्दी। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताइए। जब भी संसद की संयुक्त बैठक का मतलब क्या होता है? संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ जब बुलाया जाता है मीटिंग लेने के लिए, ठीक है, तब उसकी अध्यक्षता करता है आपका अध्यक्ष। कौन करता है? अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे, संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है? जब दोनों सदनों में किसी बात को लेकर के बहस हो जाता है। अब जब बहस हो जाएगा तो सॉल्व आउट तो करना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा उन लोग को। तो समझाओगे कब? अलग अलग जाओगे तो सब अपनी तारीफदारी करेंगे, उसकी गलती थी। इसे साथ में बुलाया जाता है, दोनों को साथ में मीटिंग होती है। तो यह जो मीटिंग बुलाने का काम है ना, वो राष्ट्रपति करता है। मीटिंग संयुक्त बैठक बुलाने का काम कौन करता है? देखो यहां से यह भी क्वेश्चन बन जाएगा कि संयुक्त बैठक बुलाने का काम कौन करता है, तो वो काम करता है राष्ट्रपति। बस वो बुलाता है और चला जाता है। फिर जो मीटिंग होगी उस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस मीटिंग की अध्यक्षता अब करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। समझ आया? राष्ट्रपति बस बुलाने के लिए है, वापिस भेजने के लिए है, पर पूरा कार्यवाही जब चलेगा तो टेंशन संभालने की जिम्मेदारी लोकसभा के अध्यक्ष की होती है, ठीक है। और जो मीटिंग बुलाया जाता है, इसके लिए संविधान में एक भाषा, एक शब्द का प्रयोग होता है, सत्र आहूत करना। जब एग्जाम में आएगा तो ये नहीं बोलेगा कि संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त बैठक का सत्र आहूत करने का अधिकार किसके पास है, तो वह अधिकार है राष्ट्रपति के पास। मीटिंग को खत्म करके जब वापस घर भेजा जाता है उन लोग को, तो उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं सत्रावसान। तो देखो, बुलाएगा जो वही वापस भी भेजेगा, बुलाता राष्ट्रपति तो वापस भी राष्ट्रपति भेजता है, बाकी बीच में जो मीटिंग चलती है वो झेलने का काम अध्यक्ष करता है। याद रहेगा क्या ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एसएससी वालों के लिए भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आपका सही आंसर है, लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब वो भी लोकसभा का अध्यक्ष ना, राज्यसभा का सभापति नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण सागर बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। बाण सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? बताइए, बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, गोदावरी नदी पर, चिल्लर नदी पर या फिर सोन नदी पर? सबका गलत आंसर आ रहा है, मतलब इस बार चुटुर बच जाएगा मेरा। बाण सागर बांध सोन नदी पर बना हुआ है। इसको ट्रिक से याद कर लो कि जो बाण सागर बांध है ना, उसमें जो बाण है वो किसका बना हुआ था? सोने का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? सोने का। तो बाण सागर बांध कौन सी नदी पर? सोन नदी पर। कौन सी नदी पर? सोन नदी पर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण, डी आपका सही आंसर है ना, सोन नदी पर बना हुआ है भाई बाण सागर बांध। चलिए, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? जितने बच्चे YouTube में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, सबसे पहला काम लाइक करते चलेंगे सेशन को, सबसे पहले लाइक का बटन दबाते हुए चलेंगे और साथ में शेयर करते चलेंगे। फिलहाल तो लाइक का बटन ठोको, जितने व्यू उतने लाइक दिखने चाहिए मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण मौर्य ने किया था, गुर्जर प्रतिहार ने किया था, संक सात वाहन ने किया था या चंदेल शासकों ने किया था? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत बार पढ़ाई हूं इस क्वेश्चन को मैं और बहुत बार आया भी हुआ है। खजुराहो का जो मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था बच्चे चंदेल शासकों ने। डी इज योर करेक्ट आंसर, चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था?
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में उपस्थित रक्तचाप की सामान्य क्या है, मतलब बीपी बीपी बोलते हैं ना हम लोग, तो कितना होना चाहिए, सामान्य अवस्था कितने को बोलेंगे, कितना होना चाहिए भाई, 120 80 110 70 140 80 या 110 75, बताइए, ए कंफर्म, तुम लोग भी बीपी वाले हो गए हो क्या, भारी जानकारी है, ए सही आंसर है भाई, ठीक है, नॉर्मल तब कल आएगा जब 120 80 होगा, लो सब बीच के सभी सही आंसर कर रहे हैं ना, मतलब सब लोग अभी से बीपी बीपी हो गया है क्या, मैं लो ब्लड प्रेशर वाली हूँ भाई, मेरे को बिल्कुल जब गुस्सा आता है ना, लो ब्लड प्रेशर वाले की खासियत होती है, जब गुस्सा आता है तो शरीर अपने आप कांपने लगता है एकदम, समझ रहे हो, और हाई ब्लड प्रेशर वाले को तो फिर सीधा एक बार टंगिया खोजते हैं किधर काटी दूंगा, समझ रहे हो, और लो ब्लड प्रेशर वाले कुर्सी खोजते हैं मेरे को बैठने को मिल जाए जगह, ये अंतर होता है, तो लो ब्लड प्रेशर ज्यादा अच्छा है ना, तो 120 80 कितना चाहिए, 120 80 ये कितना रक्तचाप होता है, ये सामान्य होता है, कैसा होता है, सामान्य होता है, देखो एक तो बीपी वाले से पंगा लेना नहीं चाहिए, जान गए हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं तो बिल्कुल उसको चुलगाओ मत तुम लोग, कह के इधर इधर देखेगा सीधा टंगिया उठाएगा, बहुत बोल रहा है ये, हाँ जब तक तुमको काट नहीं देगा उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसे नहीं लगना चाहिए बीपी वाले से, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सामान्य रक्तचाप कितना कहलाता है आपका, 120 कहलाता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहाँ है ये रहा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ, अच्छा आंसर तो दिख गया, चलो कोई बात नहीं, तो ये इसमें चुटुर उटुर नहीं है भाई, ठीक है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो भूदान आंदोलन है ये विनोबा भावे ने चालू किया था, भूदान भ से भू और भ से भावे, तो भूदान आंदोलन किसने चालू किया था, विनोबा भावे ने चालू किया था, किसने किया था, विनोबा भावे ने चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है, देश में दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है, अपवाह तंत्र मान के चलो, द्रोणी मतलब, तो नदी द्रोणी कौन सी है सबसे बड़ी, बताइए जल्दी से, गोदावरी देश की दूसरी बोल रहे ना, गोदावरी, जियोग्राफी भी पढ़ाऊंगी इसके बारे में आप लोगों को, जिसमें नदी पर्वत पठार सब क्लियर होगा आराम से, बहुत ही आराम से इजी वे में आपको याद हो जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ये कैसे पता चलेगा, जब मैं आप लोगों को उसकी लंबाई बताऊंगी बहुत आसानी से लंबाई भी याद हो जाएगा, सो डोंट वरी, जियोग्राफी में जब कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाएंगे सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, फिलहाल यहाँ पर आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, बताइए गोदावरी द्रोणी, गंगा द्रोणी, नर्मदा या कावेरी, किसके साथ जाना चाहेंगे, भारत की बात हो रही है छत्तीसगढ़ की नहीं ना, ए बी सी डी, सी डी बी ए किसके साथ जाना चाहेंगे, जल्दी बताइए, अच्छा ए बी सी डी सबके साथ जाना चाहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, बीवी तो एक ही रहती है ना, गर्लफ्रेंड कई बना सकते हो, एक ही जाने के साथ जाना पड़ेगा, समझ आ रहा है, चलो बताओ मजबूरी है क्या कर सकते हैं, ए आपका सही आंसर हो जाएगा, गोदावरी द्रोणी, क्या हो जाएगा सही आंसर, गोदावरी द्रोणी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया, ये रहा, भारत के कितने राज्यों में तट रेखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसानी से, अगर आपने ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट वाला क्लास देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी फिर से स्टार्ट होगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें करना क्या रहता है, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि समुद्र के किनारे कितने राज्य हैं, जितने राज्य उतने तट रेखा है, अब खुद अगर मैप क्लियर है ज्योग्राफी का तो आप बता सकते हैं, तो भारत के कितने राज्यों में तट रेखा है बताइए, 10 9 8 7 ए बी सी डी, मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आ रहा है भाई, सही आंसर 9 बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर भी जाओ ना आंध्र तट तरफ उड़ीसा तक, हाँ ठीक है, तो 9 भारत के कितने राज्यों में तट रेखा है भाई, 9 राज्यों में, कितने राज्यों में, कितने राज्यों में, कितने राज्यों में, नहीं सुनाई दे रहा है, अभी भी नहीं दिया, थोड़ा और जोर से, वेरी गुड, तो 9 राज्यों में, कितने राज्यों में तट रेखा है, 9 राज्यों में, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अब हम पहुंच गए किसकी तरफ, आमाशय, बायोलॉजी पहुंच गए, निम्नलिखित में से क्या आमाशय में उपस्थित है, आमाशय में क्या होता है, रूसी होता है, शुक्राणु होता है, जठर रस होता है, या फिर ऑप्टिक तंत्रिका होती है, बताइए, जठर रस होता है लेकिन रस तो होता है, चलो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं लाइक करना नहीं भूलेंगे, आते जा रहे हो लाइव जुड़ते जा रहे हो लाइक करते जाओ, निम्नलिखित में से क्या आमाशय में उपस्थित, बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 11 इट्स फॉर यू, सुन लिए ना, मेरा टोटा ही इतना है अच्छा रियली आप तो इंजीनियरिंग कहते क्या चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12,
किसके द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष तक कम कर दी गई। मतलब पहले आप वोट दे सकते थे जब 21 के होते थे, अब आप वोट दे सकते हो जब आप 18 के हो जाओ। मैं तो अभी तक नहीं दी हूँ भाई, 17 क्यों, अभी अगले साल दे सकती हूँ। सर आप कितने साल के, 15? हाँ जी, अच्छा बताइए किसके द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष तक कम कर दी गई, किसके द्वारा? इनसे संशोधन पूछ रहा है, ऐसा कौन सा संशोधन किया गया था इसके लिए जिसके बाद मताधिकार की जो आयु है वो 21 से कम करके 18 कर दिया गया था? जल्दी से बताओ, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को, सबका काम आएगा। किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। सी आपका सही आंसर है, बस तुक्का ही मारते रहो तुम लोग। मैं तो 12 क्यों, मैं 17 क्यों, 17 मतलब सोचते हो ना खतरा, ठीक है। चलो जल्दी आंसर बताओ, सी आपका सही आंसर है, 61वां संविधान संशोधन किया गया था। रट लो इस क्वेश्चन को, 18 वर्ष की आयु में आप वोट देते हैं, ये कौन से संशोधन के द्वारा किया गया? तो 61, कौन सा? 61, कौन सा? 61। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकनायक के नाम से अधिक लोकप्रिय? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है, कौन है जो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, बीसी रॉय या फिर राम मनोहर लोहिया? जल्दी बताओ, किसके साथ जाना चाहेंगे? ए बी सी डी, जवाहरलाल नेहरू के साथ जाना चाहेंगे पप, या जयप्रकाश नारायण के साथ जाना चाहेंगे, या बीसी रॉय के साथ जाना चाहेंगे, या राम मनोहर लोहिया के साथ जाना चाहेंगे? सी याद आ रहा है, बीसी राय याद आ रहा है क्या? हाँ, जनजाति में पढ़े थे ना तुम लोग, हाँ तो जनजाति था, ठीक है, ये जनजाति नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। बीसी रॉय ने क्या किया था? भील, द भील नामक रचना किया था जनजाति के ऊपर, ठीक है, वो थे बीसी रॉय। तो भालू को हमने नायक बनाया था उसमें ट्रिक के माध्यम से, तुम लोगों को वही गूंज रहा है तुम्हारे दिमाग में, वो जनजाति था। इसमें बताओ जयप्रकाश नारायण सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में, अरे रे, पीली क्रांति का क्या तात्पर्य? चलो बताओ, सबको पता होना चाहिए, भारत में पीली क्रांति का तात्पर्य किससे है बताइए? दूध उत्पादन श्वेत क्रांति हो गया, कृषि उत्पादन हरित क्रांति हो गया, खाद्य तेल के बीज में उत्पादन मतलब पीली क्रांति। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? देखो ऐसे क्वेश्चन ना हमेशा दिमाग खराब कर देते हैं, पर रखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ओजोन दिवस 16 किधर है? 16 नहीं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भाई? 16 सितंबर को, 27 को, 20 को या 30 को? श्योर, लॉक कर दिया जाए? चुटुर नहीं रखूंगी इसमें। ए आपका सही आंसर है भाई, 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया? चलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है, किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? आपको पता होना चाहिए संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है ना, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो कौन से संशोधन द्वारा हटाया गया? तो यह हटाया गया 29वें के द्वारा, 25वें के द्वारा, 44वें के द्वारा और 42वें के द्वारा। तो संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बनाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? जल्दी बताओ, अरे नारद सही आंसर कर रहे थे, काहे डिलीट मार दिए, बिल्कुल सही आंसर था भाई, 44वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन? 44वां संविधान संशोधन किया गया था। सी आपका सही आंसर है। तो भाई संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया था, क्लियर है? संपत्ति का अधिकार को कानून का अधिकार क्यों बना दिया गया मैडम, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? ले जरूरत ऐसी पड़ गई बच्चे, देखो जिस टाइम पर सरकार क्या कर रही थी, संपत्ति का अधिकार जब तक आपके मौलिक अधिकार में था, मतलब आपके संपत्ति पर आपका अधिकार है। मौलिक अधिकार किसको कहते हैं? मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है जिसको ना तो सरकार आपसे छीन सकती है, ना कोई प्रजा आपसे छीन सकती है, कोई भी नहीं छीन सकता, वो आपका है, आपका ही रहेगा। अगर किसी ने छीनने की कोशिश किया तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट सब मुकदमा को साइड में रखे पहले मौलिक अधिकार वाला मुकदमा सुनता है। मतलब संपत्ति का जो अधिकार है वो टोटली आप ही का अधिकार था, आप ही के अंतर्गत आता था। हुआ एक्चुअली में ये कि सरकार को जब आपके संपत्ति की जरूरत पड़ती, संपत्ति की जरूरत पड़ती मतलब मान लो सरकार को किसी जगह से क्या निकालना है, रेलवे ट्रैक बिछाना है, पटरी बिछाना है, ठीक है। अब जिस रोड में वो पटरी बिछाना चाह रहा है वहां पर आपका खेत आता है। अब सरकार आपके पास आया,
बोला भाई तुम्हारा खेत दे दो मेरे को, क्योंकि यहाँ पर मेरे को रेलवे ट्रैक बिछाना है। आप बोलोगे मैं नहीं दे सकता। सरकार बोलेगा इतना पैसा दूंगा। देते भाई फ्री में नहीं मांगता है ना, पैसा से ही मांगता है कि इस जमीन के बदले में तुमको इतना पैसा मैं दूंगा, ठीक है तुम्हारा जमीन मेरे को दे दो। अब तुम क्या बोलोगे, मेरा बाप पुरखा का जमीन है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, तुम 1 करोड़ दोगे तब भी मैं नहीं बेचूंगा। अब सरकार क्या करे, तो तुम इस खेत को छोड़कर उधार से ले लो रेलवे ट्रैक जो बना रहे हो, ठीक है। आपने बोला ठीक है भाई, आप उधार से ले लिए रेलवे ट्रैक को। अब उसके बाद जिसकी जमीन उसके पास गए, उसको बोले कि भाई मुझे तुम्हारा जमीन चाहिए क्योंकि मेरे को रेल का पटरी बिछाना, वो भी बोला बाप पुरखा का जमीन है मैं नहीं बेचूंगा, तुम उधार से ले लो। तो क्या रेल की पटरी बना रहे हो या जलेबी बना रहे हो? कोई बोल रहा है इधर से ले लो, कोई बोल रहा है उधर से लो, हो सकता है क्या? तो इस वजह से सरकार जब हमारी सुविधा के लिए आपसे आपकी संपत्ति मांगते हैं, वो भी फ्री में नहीं पैसा देकर, तब जब आप नाटक करते हैं तो उसमें सरकार के कार्य में बाधा आती है कि नहीं आती है? दैट्स व्हाई क्या किया गया, संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब कानूनी अधिकार बना दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो संपत्ति है वो जबरदस्ती आपसे छीन ली जाएगी। एकदम आवश्यक होने पर आपको अपनी संपत्ति सरकार को देना पड़ेगा, जब भी सरकार आपके फायदे के लिए, जनता के फायदे के लिए कुछ काम करती है तब। आया समझ में? ये नहीं कि कभी भी कोई भी आपसे संपत्ति को आपको छीन लेगा, ऐसा मतलब नहीं। अभी भी आप देख रहे होंगे गांव गांव में क्या किया जा रहा है, सड़क बनाया जा रहा है। तो सड़क में बोलते हैं लोग मेरा भी खेत आ रहा है, मेरा भी खेत आ रहा है, मेरा भी खेत आ रहा है, मेरा भी जमीन आ रहा है, है ना? ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को अब आपका कानूनी अधिकार कर दिया गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा, देना पड़ेगा तुमको। अगर तुम्हारा जमीन आ गया मतलब देना पड़ेगा, इसलिए तो कानूनी अधिकार कर दिया गया ना। तो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने के लिए क्या किया गया, कौन सा संशोधन, 44वां संविधान संशोधन किया गया था। क्या क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पढ़ो ऐसे कि दूसरों को पढ़ा सको। अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों किया गया था, आप उसको एक्सप्लेन करके समझाइए बेहतरीन तरीके से। इसलिए पढ़िए ऐसे कि पढ़ा सके दूसरे को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, संक्षिप्त रूप सेबी का पूर्ण रूप क्या है? शॉर्टकट में हम बोलते हैं सेबी, से बी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइए जल्दी से? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, दूसरा भारतीय बचत और आय बोर्ड, तीसरा भारतीय लघु बचत बैंक, और चौथा है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड। जल्दी से बताएंगे आंसर, सोचो 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 क्या लग रहा है। ये देखो सही सही बोलते हो, उन लोग डिलीट मार देते हो यार, तुम लोग अपना सही आंसर था, काहे डिलीट करते हो? ए बिल्कुल सही आंसर है। सेबी का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुणे की ओर बहने वाली कौन सी दो प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिम घाट से होता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। भारत में पूर्व की ओर, पूर्व मतलब अरुणाचल प्रदेश तरफ, है ना, अरुणाचल प्रदेश पूर्व में स्थित है। तो भारत में पूर्व की तरफ जो नदी बहती है, दो नदी जिनका उद्गम पश्चिम घाट से होता है, पश्चिम घाट मतलब समझ रहे हो ना, एक होता है पूर्वी घाट एक होता है पश्चिमी घाट, पश्चिम घाट से उद्गम होता है, पूर्व की ओर बहती है, कौन सी दो नदी है बताइए जल्दी से? ऑप्शन नर्मदा और तापी, तापी और कृष्णा, नर्मदा और गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा, ए बी सी डी। जल्दी से बताइए किसके साथ जाना चाहेंगे? कुछ भी मतलब कुछ भी है, तुक्का मार दोगे? क्या बोल रहा है, पश्चिम घाट से निकलता है पूर्व की ओर जाता है, ऐसी कौन सी नदी जो पूर्व की तरफ बहती है, सोचो। गुड, गोदावरी और कृष्णा नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। गोदान करना चाहिए कितनी बार, तीन बार, तो तीन से त्र्यंबकेश्वर आराम से याद रख सकते हैं। देखो ट्रिक बेहतरीन बेहतरीन बनाती हूँ वैसे मैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं भी पहले स्टूडेंट हुआ करती थी और ये ट्रिक बना बना कर ही रटती हूँ सब चीज को, तो अब ऐसा है कि याद आ जाता है ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा पश्चिमी घाट से निकलती है पूर्व की तरफ बहती है। क्लियर है? गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक चुटूर के लिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक चुटूर के लिए भाई, एक चुटूर लेके दिखा दो तुम लोग मेरे को इस क्वेश्चन में। संसद द्वारा 42वां संशोधन अधिनियम अपनाया गया था कब? तो 42वां जो संशोधन है वो कब हुआ था भाई, कब अपनाया गया था? 1967 में, 76, 68 या 77, डर लग रहा है इसमें भी ले लोगे क्या? चलिए बताइए जल्दी से, एक चॉकलेट इनाम इसमें, एक चॉकलेट के लिए क्वेश्चन नंबर 19। 1967 में 42वां संशोधन अधिनियम अपनाया गया था, 68 में, 76 में या 77 में? अभी तक जितने क्वेश्चन में आंसर नहीं मिला था, इस क्वेश्चन में मिल रहा है, ठीक है, और बिल्कुल सही मिल रहा है वो भी। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा भाई, 1976 में। चॉकलेट कैंसिल, इतने लोगों को दूंगी क्या, घर नहीं बचा जाएगा मेरा। तो 1976 कब? 1976, ठीक है। चॉकलेट नहीं मैडम, टी, ओके, टी विद तृप्ति मैम, अच्छा बन रहा है।
करण विद कॉफी था ना, एक सीरियल आता था, वैसे टी विथ तृप्ति मैम, ठीक है, चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, तो 1976 में क्या किया गया था आपका, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1976 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित भारतीय राज्य में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए जल्दी से, किसके हिसाब से बोल रहा है, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, देख लो, मध्य प्रदेश तो नहीं है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, किसके साथ जाना चाहेंगे, बोल के मुकर जाते हो मैडम, चलो ठीक है चुटुर डन, आओ तुम लोग, नहीं मुकरती ठीक है, चुटुर पक्का 25 पैसा वाला खिलाऊंगी, बताइए जल्दी, ए बी सी डी, किसके साथ जाना चाहेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश वाले हाथ ऊपर करो, राजस्थान वाले हाथ ऊपर करो, एक दो तीन चार पांच छह, आप दोनों नहीं हो ना, और एक तीन, तुम लोग किसके साथ जाओगे, तमिलनाडु, अच्छा उत्तर प्रदेश, ठीक, सही आंसर है राजस्थान, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है ना, तो ध्यान रखेंगे, जहां की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी विधानसभा सीट भी वहां की उतनी ज्यादा होती है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट अभी 90 है, कारण क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कम है, वहीं उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वहां 400-500 तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि वहां जनसंख्या बहुत है। चलिए आगे बढ़े, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जब स्वतंत्र भारत मतलब 1947, क्या हो गया संजना, क्या समस्या है बच्चे बताओ, संजना पटेल, मैं हूं ना, तुमको कोई और क्यों चाहिए, मैं हूं, बताओ क्या हेल्प चाहिए तुमको, क्या समस्या हो गया, बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, आर के सम्मुखम चेट्टी ने, जान मेथाई ने, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कब से है भाई बताओ, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कब है, कौन से महीने में है, क्लियर हो गया ना, पेपर आउट हो गया है, नवंबर में होना है आपका, डेट फिक्स नहीं है बट मंथ क्लियर हो चुका है, ठीक, नवंबर में होना है, फिक्स है, नवंबर लास्ट जा सकते हैं आप, ठीक, डेट नहीं बताया गया अभी, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी, कि सबसे पहले स्वतंत्र भारत का केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, सम्मुख चेट्टी ने, जॉन मथाई ने, सीडी देशमुख ने, या फिर मोरारजी देसाई ने, एक ही जाने का नाम तो याद है क्योंकि मोरारजी देसाई को तो बस जानते हैं, तो वही किया है जो कांड किया है सर, बदनाम कर रहे हो बेचारे बाबा को, ए आपका सही आंसर हो जाएगा भाई, चेट्टी जी थे जिन्होंने पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, तो कौन था, मोरारजी देसाई, हाँ नहीं है ना, इसका आंसर होगा आर के सम्मुखम चेट्टी, 21 आपका सही आंसर हो जाएगा, ए आर के सम्मुखम चेट्टी, ए होगा ए, मोरारजी देसाई 10 बार सबसे ज्यादा क्या, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है, प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है भाई, जल्दी से बताइए, वस्तु एवं सेवा कर प्रत्यक्ष रूप से आपसे लिया जाता है, आयकर, उपहार का कर, संपत्ति का कर, जल्दी से बताओ, मैं तो पढ़ रही हूं इतना चिल्ला चिल्ला के, प्रत्यक्ष कर नहीं, तुमको कोई गिफ्ट देगा, आप प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे रूम में जाके लुका देगा, छिपा देगा उसको बेड के नीचे में, कि तुमको डायरेक्ट देगा, तो कौन सा होगा भाई, निम्नलिखित में कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेते हैं, हम लेते हैं जरूर है टेबल के नीचे, पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेते हैं, बताइए, आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर, वस्तु एवं सेवा कर, मैम मुझे कोई कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया बच्चे नंबर, ठीक है, लेकिन क्लास ज्वाइन से रिलेटेड ही अगर आपको कोई डाउट हो तब आप उसमें कॉल कीजिए, कॉल ना करें तो ज्यादा अच्छा, व्हाट्सएप में मैसेज भी छोड़ देंगे तब भी दिक्कत नहीं है, ए आपका सही आंसर हो जाएगा, वस्तु एवं आयकर, कौन सा हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, ए इज योर करेक्ट आंसर, और इसको रट लो,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग को घुमाने वाला। तो ऐसा कौन सा कर है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो वस्तु का एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। चलिए आगे, बाकी सब हम प्रत्यक्ष रूप से देते हैं ना। गांधी जी का जन्म कहां हुआ था भाई? देख लो, राजकोट में तो नहीं हुआ था, अच्छे से सोच लो, समझ लो, वर्धा में, राजकोट में, गांधीनगर में या पोरबंदर में? मुझे राजकोट याद आ रहा है, तुम लोग को कैसे नहीं आ रहा है? हा ना, देखो इन लोग को भी आ रहा है, पोरबंदर सही आंसर है, काहे रे को आ रहे हो? डी आपका सही आंसर हो गया, पोरबंदर। कौन सा? पोरबंदर। कौन सा? तो बाबा का जन्म कहां हुआ था? हैप्पी बर्थडे कहां हुआ था? कहां हुआ था? राजकोट में। क्या हुआ था फिर? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस में स्वतंत्र के अधिकार की गारंटी है? स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी, स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी। कहने का मतलब है कौन सा आर्टिकल आपके स्वतंत्रता का अधिकार देता है? जल्दी से बताओ फटाक से। 19, आर्टिकल 19, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया कि कौन कौन सा स्वतंत्रता आपको दिया गया है। घूमने फिरने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप बोलोगे घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब किसी के बेडरूम में जाके नहीं घुस जाना है कि हमको तो स्वतंत्रता है घूमने फिरने की। स्वतंत्रता है, पर ऐसी स्वतंत्रता है कि आपके स्वतंत्रता से किसी दूसरे को नुकसान ना हो। अब बोल रहे हो घूमने फिरने की स्वतंत्रता, मतलब गाड़ी चला रहे हो, किसी के घर में घुसा दिया गाड़ी को, भाई मुझे तो स्वतंत्रता है घूमने फिरने का। अरे समझ रहे हो ना? अब घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, मतलब पता चला आरबीआई के ऑफिस में घुस गए, भाई हमको तो स्वतंत्रता है घूमने फिरने का। कौन बताया तुमको? तृप्ति मैडम पढ़ाई है मतलब तुम लोग के साथ मैं भी चली जाऊंगी, है ना? तो घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, पर वो स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता है जिससे किसी दूसरे को दिक्कत ना हो। यह भी क्लियर किया गया आर्टिकल 13 में, पर्सनल लॉ के अंतर्गत बताया गया कि पिछले जितने भी स्वतंत्रताएं या जो भी रूल्स बनाए गए थे स्वतंत्रता से पहले, वो अभी भी लागू होंगे, बशर्ते आपके उन नियम कानून से किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी के अंतर्गत तो पर्सनल लॉ से तीन तलाक वाला कैसे हटाया गया था ना? कारण पति तो मजे कर रहा था, एक के बाद एक शादी, एक के बाद एक शादी, एक के बाद एक शादी करके, अब पत्नियां ये तो उसकी स्वतंत्रता से दूसरे को दिक्कत हो रही थी ना, इसीलिए हटाया गया। और ये कहता है हमारा आर्टिकल 13। क्लियर? फिलहाल बात हो रही है स्वतंत्रता के अधिकार की, तो स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 19 में किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्ध से संबंधित नहीं है? गौतम बुद्ध से संबंधित क्या नहीं है? जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, जो जो लाइक नहीं किए हैं लाइक का बटन दबा देंगे, ठीक है? जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, सबसे पहला काम लाइक का बटन दबाते जाना है आपको। अंगूठा में दर्द चालू हो जाएगा नहीं दबाओगे, तो बता दे रही हूं, दबाते चलिए, ठीक है? बताएंगे निम्न में से कौन सा बुद्ध से संबंधित जगह नहीं है? बौद्ध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर रांची? देख लो, अच्छे से देख लो, रांची भी जाना पड़ा था शायद गौतम बुद्ध को नहीं जाना पड़ा था क्या? चलो तो फिर डी आपका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है? रांची जाने के हालात तक नहीं पहुंच पाए थे वो, तो बौद्ध गया से संबंधित है, कुशीनगर है, लुम्बिनी है, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, बौद्ध गया में शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, है ना? और रांची तो गई ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। उस टाइम के लोगों को रांची जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, अब हम लोग को पड़ती है, ठीक है? इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि आखिरी में जाना पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? सभी को आंसर करना है इसका। ऊर्जा का क्या है भाई? किलोवाट तो नहीं है, हार्स पावर नहीं है ना, तो क्या है सही में? क्या कैसे है हेमा? जूलो है। अच्छा चलो, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? हैं? चलिए एसआई मात्रक क्या है? जूल है। एसआई मात्रक क्या है? जूल है। एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? एक वोल्ट कितने के बराबर होता है भाई? ये रहा आपका क्वेश्चन, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? एक जूल के बराबर, एक जूल प्रति कूलम्ब के बराबर, एक न्यूटन प्रति कूलम्ब के बराबर, या फिर एक जूल प्रति न्यूटन के बराबर? डेयरी मिल्क चॉकलेट है इसके लिए, एबीसीडी बोलो। डेयरी मिल्क हार गए तुम। बिफोर बेबी कि बाबू? कैसे है माँ? बॉल होता है तुमको नहीं पता? चलो तो बी आपका सही आंसर है भाई, बी आपका सही आंसर, एक जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो एक जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। एक जूल प्रति
कूलाम के बराबर होता है, बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई क्या है बताइए भाई, फिजिक्स में पहुंच चुके हैं हम, नहीं करेंगे जी एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, एक्सप्लेन के लिए एक्सप्लेन वाली क्लास में आइए आप, थ्योरी वाले क्लास में, डिटेल में एक्सप्लेन होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव, आप लोग को टेस्ट किया जा रहा है कितना पढ़े हो, कितना बना पा रहे हो, ठीक है। चलिए बताइए, तो पास्कल इकाई क्या है, आर्द्रता का इकाई है, पास्कल किसका इकाई है, आर्द्रता का, दाब का, वर्षा का, या फिर तापमान का, जो तुमको नहीं लग रहा है वही आंसर है। बताइए बताइए, आर्द्रता का, दाब का, वर्षा का, तापमान का, पास्कल, पास्कल भाई आपके दाब की इकाई है, फिलहाल दाब की इकाई है, ठीक है, प्रेशर की इकाई है ना, याद रखेंगे इसको कैसे याद किया जाता है, प से पास्कल और प से प्रेशर, तो आराम से फिर आप भूलेंगे नहीं उसको। तो पास्कल किसकी इकाई है, प्रेशर की, दाब की इकाई है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ ले, एक लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, जल्दी से आंसर बताओ, एक लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, 25 कैलोरी, 100 कैलोरी, कोई कैलोरी नहीं होती है, या फिर 10 कैलोरी होती है, देख लो, एक लीटर पानी का पूछ रहा है, ऊर्जा नहीं होता है पानी में, तो कैलोरी ऊर्जा नहीं है, कैलोरी क्या है फिर, व्हाट इज कैलोरी, चलो आंसर बताओ भाई, तुम लोग बहुत मगजमारी करते हो, ए बी सी डी, जल्दी बोलो, सी के साथ जाना चाहेंगे, सभी लोग सी के साथ जाना चाहेंगे, अब सभी के सभी सी के साथ जाओगे तो कैसे करेगा बेचारा सी, चलिए सी सही आंसर, अब वो सी समझे कैसे करेगा, ठीक है। तो कोई कैलोरी नहीं होती है पानी में, कोई कैलोरी नहीं होती है पानी में, कोई कैलोरी, चलिए आगे बढ़ते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, टाइम हो रहा है, क्योंकि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कितना अधिकतम होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर, या -4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिक होता है, बोल रहे हैं ना, तो पानी का घनत्व कहां पर अधिक होता है बताइए, ए बी सी डी, बी, बी फॉर बॉल, बेबी बॉल, ठीक है, तो बी फॉर बॉल सही है भाई, तो पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है, बस यही मार्क आ गए ना, 100 डिग्री ज्यादा दिख रहा है मतलब वही ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो सबका घनत्व होता है, ठीक है, आप बस यही करते रहो तुम बाबू सोना जादू टोना, ठीक है। चलो तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, किस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, पानी का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न